ఉంఫాన్ సూపర్ సైక్లోన్ గా మారబోతోంది దీనికి సంబంధించి ఢిల్లీలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ డీజీ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मुहैया कराई जाएंगी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी 19 टीम्स हैं बंगाल में छह जिलों में बटा हुआ है जिन जिलों पर ज्यादा प्रेशर है वहां पर ज्यादा टीमें लगी हुई हैं ये डिप्लॉयमेंट का चार्ट है बंगाल के लिए केवल आप देख सकते हैं कि जो डेल्टाइक एरिया है जहां से बे ऑफ बंगाल टच कर रहा है उस एरिया से एरिया में ही ज्यादा डिप्लॉयमेंट है और ये है उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट टेबल जिसमें आप देख सकते हैं बालासोर में छह टीमें लग चुकी हैं केंद्रापाड़ा में तीन टीमें जगत सिंहपुर में चार टीमें भद्रक में चार टीमें जहां भी चार टीम और ज्यादा है इसका मतलब है कि वहां इंपैक्ट ज्यादा है इंपैक्ट जोन ज्यादा है ये उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट ऑन द मैप है ये भी आप देख सकते हैं कर्वेचर के साथ है कोस्ट से सटा हुआ है और साइक्लोन के पाथ को ही एक तरह से डिफाइन कर रहा है डिप्लॉयमेंट एडिशनल अलर्ट टीम्स जैसा कि मैंने कहा वो बरकरार हैं अगर जरूरत पड़े कोई जरूरी नहीं कि साइक्लोन के समय ही जरूरत पड़े साइक्लोन के बाद भी जरूरत पड़ सकता है रेस्टोरेशन वर्क में अगर डेवस्टेशन ज्यादा हो तो छह बटालियन में चार चार टीमों के हिसाब से 24 टीमें स्टैंड बाय में है एयरलिफ्ट के लिए और 15 मिनट के अंतराल में वो तैयार हो सकती हैं और एयरलिफ्टेड हो सकती हैं एनडीआरएफ की टीम की एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन अवेयरनेस तो हुआ ही है इस बीच में इवैक्यूएशन का काम काफी हुआ है और अभी एज वी टॉक एज वी स्पीक वो दो सभी टीमें एक्शन में है सभी टीमें ग्राउंड पे है सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है